सो गाइस, चीप फोन्स आर गेटिंग रियली 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 गुड। और आज हम बात करने जा रहे हैं कूलपैड कूलप्ले 6 के बारे में, जो कि एक नया ऑफरिंग है कूलपैड की तरफ से। सो गाइस, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी 5 चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर आप लेने जा रहे हैं कूलपैड कूलप्ले 6। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप राइट इनटू इट। अगर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फोन की। सो गाइस, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फोन की देखी जाए तो सो गाइस, जो आपके सामने तरफ 5.5 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि इसके व्यूइंग एंगल्स जो होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको मिलती है IPS टेक्नोलॉजी। देन गाइस, अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है एक स्नैपड्रैगन 653 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और साथ साथ 6 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, जो कि अपग्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको एक्सपैंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके माइक्रो एसडी का स्लॉट नहीं है। अगर आप पीछे की तरफ बात करें तो आपको देखने को मिल जाता है 2 लाइक कैमराज, विच आर ड्यूल कैमराज, दे आर 13 MP विद f2.0 एपर्चर। देन कहते उसी नीचे के साइड में आपको देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि बिल्कुल सही शॉट लाइक बिल्कुल सही जगह पे प्लेस करा हुआ है। और उसके साथ साथ आपको पीछे बिल्कुल की पूरी बॉडी जो है मेटल की है, और 4000 mAh की बैटरी, और साथ साथ USB टाइप सी का सपोर्ट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये तो बात हो गई हमारी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में। गाइस, अगर बात करें अब हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन इतनी अच्छी जो लग रही है फोन की, अगर उसी तरफ से अगर देखा जाए जो इसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू है, तो जो प्राइस है इस फोन का वो है 14999, और इस रेंज के अंदर कोई सा भी फोन ऐसा आपको लाइक जो स्पेक्स है सीट पे बिल्कुल कोई सा भी फोन ऐसा नहीं देता। गाइस, जो स्पेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं लाइक ऑन द स्क्रीन एंड ऑन द पेपर, बट रियल लाइफ में स्पेक्स कैसे कारगर कर पाएंगे उस लाइक लाइन तक हमारे को हम पूरा का पूरा जोर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन होती है फ़ोन के अंदर वो सबसे अहम पार्ट होता है। आप कैसे लाइक चीज़ों को मैनेज करती है, रैम मैनेजमेंट होती है, बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हार्डवेयर चाहे अच्छा हो अगर सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है तो फोन के अंदर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बट गाइस, कूलपैड के सॉफ्टवेयर जो है नियर स्टॉक एंड्रॉइड फील के साथ आते हैं, और आपको इधर मैं बात करूंगा एंड्रॉइड की, तो आपको एंड्रॉइड 7.1.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ साथ कूलपैड ने यह भी कहा है कि आपको इस ईयर के एंड तक आपको एंड्रॉइड 8.0 का सपोर्ट इस फोन के अंदर आपको मिल जाएगा। सो गाइस, ये वाला जो बात है बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, क्योंकि अगर हमारे को 8.0 का सपोर्ट इस ईयर के लास्ट तक मिल जाता है, एंड तक मिल जाता है, तो हमारे को ये गारंटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आपको इसके अंदर अराउंड 1 ईयर तक एंड्रॉइड लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि कोई इतना हिकअप नहीं देंगे आपकी परफॉर्मेंस एंड टेक उसके अंदर। बट गाइस, इस तरफ अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन वाइज, जो मेजर फ्लॉ लग रहा है इस फोन का वो है इसका डिज़ाइन। यस गाइस, अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उस तरफ अगर डिज़ाइन देखें तो बिल्कुल कचरा है। गाइस, जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा फेमिलियर तो लग ही रहा है, क्योंकि बहुत ऐसी कंपनीज है जो ऐसे फ़ोन बिल्कुल सेम टू सेम बनाती हैं, बट सामने तरफ आप देख सकते हैं कि मोटी मोटी बेजल्स, जैसे कि ये 2017 है, सो बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो आ रहे हैं लाइक छोटी बेजल्स के साथ, चाहे वो बजट में भी हों। सो जैसे कि LG Q6 ही आया है, बहुत अच्छी डिस्प्ले के साथ आया है, लेकिन उसके स्पेक्स इतने अच्छे नहीं थे। बट ऐसी है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और आपको वही चीज़ ध्यान में रख के ये फ़ोन लेना है। बट गाइस, अगर मैं बात करूँ इस फ़ोन के लाइक एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गाइस 14999 एक बहुत अच्छा प्राइस है। अगर आप इसे कंपेयर करते हैं लाइक Xiaomi Redmi Note 4 से, तो उसके अंदर आपको इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन नहीं मिलती, बट गाइस इसके अंदर आपको उतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, साथ साथ एंड्रॉइड 7.1.1 का आपको उसके अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है। और मैं अगर बात करूँ कैमरा वाइज, तो कैमरा वाइज फोन मेरे को फोन इतना खास नहीं लग रहा है। तो गाइस, हमने हमेशा देखा है कि जितने भी फोन्स हैं ये मिड रेंज के सारे कम्पीट करना चाहते हैं OnePlus 5 या फिर iPhone 7 के कैमरा से, बिकॉज गाइस ड्यूल कैमरा सपोर्ट या फिर LG G6 से, बट गाइस दे aren't able टू डू दैट, कि यार ये गेमिंग हो जाता है कि आप पीछे की साइड में 2 कैमरा लगा दो और देखो कि आपको सब देखेंगे बोलेंगे वाह तेरे फोन में 2 कैमराज हैं पीछे की साइड में, कैसी फोटोज़ लेता है देख लेके तो दिखा, मतलब क्या, क्योंकि सामने वाले बंदे को नहीं पता चलेगा पहली बार देखने को कि यार ये 2 कैमरा करते क्या है। आप उसको बताओगे कि ये टेलीफोटो लेंस है, ये DSLR इफेक्ट देता है, पोर्ट्रेट शूट्स करता है। सो गाइस, वो iPhone 7 की बात अलग है, उसके अंदर जो आपको क्वालिटी मिलती है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो कंपनी है ये 2 कैमरा पुट करने में इतना एफर्ट लगा रही है, ये नहीं कि वो 1 कैमरा ही पुट करें और उसके वो इतना एनहांस कर दें कि वो जो कम्पीट कर सके और बड़े फ्लैगशिप फ़ोन के कैमरा से। पता नहीं ये दो लाइक अगर आप मान लो 13 MP के ड्यूल कैमरा था अब एक फ़ोन के अंदर पुट कर रहे हैं, और अगर वो लाइक इमेज अच्छी कैप्चर कर ही नहीं पा रहे तो उसका फ़ायदा क्या है, चाहे वो ड्यूल हो चाहे फिर वो ट्रिपल हो चाहे फिर वो एक हो। अगर आप एक ही को इतना एनहांस कर दो कि वो इतनी अच्छी फ़ोटोज़ ले पाए जो कि आपका एक आईफोन 7 या फिर कोई फिर फ्लैगशिप फ़ोन्स को कंपेयर कर सके थोड़ा बहुत भी, तो वो एक बहुत अच्छा रीज़न बन जाता है एक फ़ोन लेने का। बट गाइस, बाकी इस कैमरा की मैं बता नहीं सकता कि कैसा होगा, और शायद देखते हैं September 4th को इसकी ऑन सेल है जो जाएगा Amazon.in पे, ओपन सेल आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, देखते हैं फ़ोन कैसा होने वाला उस टाइम पे। और यही थी आज की वीडियो, आपको मैं बताना चाहता था कूलपैड कूलप्ले
6 अगर आप लेना चाहते तो ये वाला वीडियो जो आपने देखी आज आपको पता चलेगा कैसी कैसी चीज़ें उसके अंदर कमियाँ हैं और क्या अच्छी चीज़ें भी हैं। सो कैसे अगर आज आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। एंड एनीवेज गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग, आई विल कैच यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम रेस्ट।